I don't want to miss out. ये मैं शौक के लिए आता हूं। One thing I want to say on behalf of all the audience, all the your subscribers who are watching your channel, that you are a very humble person first of all. आपकी vocabulary बहुत अच्छी है, the way you treat the horseman and horse, that's excellent. बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्या खा रहे हो आप? नशा तो नहीं है? नशा होगा तो हम फिर क्या घोड़ा रखें? ठीक है, तुम बताओ कोई घोड़े का नाम? और समुंदर। क्या है ये है गए 4 साल का ही, 4.5 साल का हो गया। ये घर का बच्चा है जी। अच्छा, मैंने आपको पूछा था फाजिलका की क्या चीज़ फेमस है, आपने कोई मिठाई बोली थी? तोशा। एंड आई रिमेम्बर आपने बोला था जूती। देन आई इमीडिएटली लुक्ड एट योर फीट, व्हाट आर यू वेयरिंग? वो गाड़ी में पड़ी अंदर। एंड दिस इज व्हाट यू आर वेयरिंग सर, व्हाट अ शेम सर। फाजिलका से मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, जब वीडियो बनाया तो प्लीज। कितने घोड़े लाए हो? 15-18। आ गई फाजिलका की जूती। सर क्या नाम है घोड़े का? समुंदर। समुंदर, जो बीमारियाँ थी नेचुरल तरीके से ठीक की जाती तो उसी तरह प्रकार का, ये आज का नहीं है, बहुत हजारों साल पुराना। ये हिमालय का बच्चा है। मेरा हिमालय पर्वत। तो डील कब हुई? क्योंकि कल तो मैं देखा उनका इंटरव्यू लिया था, परसों बाहर लेके निकले थे। उनके पास आया सब में। हाँ, उसके बाद डील हो गई। बड़ा क्विक है, चट मंगनी पट गया हो गया इसका तो। चलिए वेलकम। मैं नहीं बोलूँगा कि भाई आप दशमेश हो, आपका नाम अरमान सरपंच है सभी जानते हैं, लेकिन मैंने आपका नाम जो है दशमेश स्टड फार्म के नाम से सेव किया हूँ। नाम आपका अरमान सरपंच मुझे भी पता है, ना मैं दशमेश बोलता तो आप नाराज़ हो जाते। अरमान नाम है, अरमान हमेशा बहुत सारे घोड़े लेके आते हैं। कहाँ पर मुक्सर में आपका बाड़ा है? सूर्यवाला गाँव है जी। नहीं, मुक्सर में मेले में कहाँ पर आप टेंट गाड़े हो? टेंट हमारा जब मंडी में लास्ट में आते हैं, लास्ट की तरह हमारा टेंट है। ये फिक्स है ना आपका और वो बाबा जीता वाले का? आई थिंक ऑलमोस्ट हाँ, उनका उधर फिक्स है, हमारा ये फिक्स। जी जी, कितने घोड़े लाए हो अभी? इस बार ये है जी 15-18 है। अभी घोड़े बेचने से ज्यादा अरमान आप लगता मॉडलिंग में उतर गए हो? नहीं, ज्यादा फोटो वोटो। हाँ, मॉडलिंग भी कर रहे हो? नहीं, मजाक कर रहे थे। कितने घोड़े लाए हो? है अभी तक 2 जानवर बेचे हैं। 3 दिन में 2 ही? हाँ, 2 बेचे हैं अभी, ज़्यादा कस्टमर आज ही आ रहा है। मेन डे कब है? मेन डे आज और कल को और परसों। लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि कब तक मेला लगेगा, अगर किसी को खरीदना है या अच्छे अच्छे घोड़े देखना है, शौक करना है। ये 17-18 तारीख तक चलेगा। आप कब तक के रहोगे? 18 तारीख तक। जब तक के घोड़े रहेंगे तब तक? ऐसा होता है कि अगर लास्ट डे घोड़ा नहीं बिका तो कोई भी रेट में देके निकल लो? नहीं, ऐसा आज तक तो कभी नहीं किया। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि माल तो अगर घोड़ा को अच्छा प्राइस मिलेगा हमको तो फिर ही देना है। अगर ना कोई भी ना बिकेगा फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं। सारे बछेरिया लेके आए हो? सारी की सारी घोड़िया है जी। घोड़िया है सारी? हाँ। बताइए, बीच में बच्चियाँ भी है, घोड़िया भी। कहाँ से शुरू करें? यहाँ से? ये मज्जू की लाइन की घोड़ी है जी। मज्जू की लाइन की घोड़ी है? हाँ जी। क्या डिटेल्स है बताइए? 64 इंच हाइट है जी ऑन स्केल। जी, क्या हाइट है? 64 ऑन स्केल। बट लोग कैसे वेरीफाई करेंगे मज्जू की लाइन की है? गारंटी देंगे जी, पूरा डिटेल देंगे, कहाँ इसका बर्थ हुआ है, कहाँ आई है आगे, वो सारी डिटेल देंगे। डीएनए टेस्ट कराएंगे तो? हाँ। कौन है इसका फादर? खली दारापुर वाला। खली दारापुर वाला, वो मज्जू की लाइन का। हाँ, क्या हाइट का घोड़ा है वो? 68 का आया थी। ये तो आप जेली फीडिंग पर्पज़ के लिए लेते हो, तो हाल ही में लिया होगा ना ये सब? कैसा? आप जो लेते हो ये कोई पाली भी नहीं है, ये आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेते हो? ये 2 दांत में थी जब ली थी। अच्छा, अभी कितने दांत पे हैं? अभी पंजारे लगी है, दांत पूरा अभी करने शुरू हुई है। एग्जैक्ट एज कितनी है इसकी? 4.5 साल। एंड हाउ मच आर यू आस्किंग, कितना मांग रहे? 11 लाख। 11 लाख रुपीज, नेगोशिएबल है आपका प्राइस? हाँ, कोई अच्छा कस्टमर आएगा तो ऊपर नीचे कर। 11 लाख आपका तो लास्ट टाइम मुझे याद है, आपके तो रेट काफी सस्ते हुआ करते थे अरमान। नहीं, घोड़ी बहुत अच्छी है जी, इतनी हाइटदार, इतनी नेक प्रोफाइल, लेंथ, फेस ब्यूटी, नेक कान कंडीशन की, ऊपर से सुपर है जी। रेंज में आप गए नहीं थे गए बाल? आपके रेंज अच्छे मीडियम ही होते थे, लोग अफोर्ड कर पाए? नहीं, वो तो घोड़ियों के हिसाब से है, और भी घोड़ियाँ हैं जो कम रेंज वाली है। ठीक है। ये प्रेग्नेंट लग रही है? 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। किससे है? जयराज घोड़े से, वो जीता स्टड फार्म के पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। 11 लाख इज द आस्किंग प्राइस। आपका नंबर क्या है? 9501914179। ओके ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कौन सी लाइन आप यहाँ पे आओगे तो घोड़ी पूरी दिखेगी? ठीक, बताइए। लाल चंबी घोड़ी है जी। लाल चंबी? लाल चंबी घोड़ी। क्या उम्र की है? 4.5 साल की। 4.5 साल। हाइट?
61 अननोन लाइन होगी ना ये अननोन है हाउ मच आर यू आस्किंग 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए नेगोशिएबल है ये नेगोशिएबल क्योंकि 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है बहुत अच्छे घोड़े से कौन से घोड़े से नुकरा घोड़ा है जी नज़दीक में ही है हमारे अरमान कोई अगर महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टेशन मंगाता है जैसे बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स या पूना एक घोड़े पे कितना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आ जाता है अगर तो आदमी ने केला मंगवाना है उसके ऊपर तो 50,000 आता है कितना 50,000 अगर उसके साथ भी पार्टनर होते हैं उनके तो जैसे 2-3 घोड़े इकट्ठे मंगवा रहा है किसी और आदमी के ना तो उसके बीच कोई 10-15 हज़ार में भी पहुंच जाता है जेनली तो आपका तो माल जाता रहता होगा ना जाता तो है जी महाराष्ट्र में खूब जाता है महाराष्ट्र में तो फिर तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता होगा ना अगर आपके और भी जानवर जा रहे हैं तो अगर और जा रहा है अगर वो तो उसमें तो कम होता है अगर और नहीं जा रहा हो तो उसमें नहीं होता अगर आपने ये घोड़ी बेची है आपने वहाँ पर जाके बीमार पड़ गई तो क्या होता है इन दैट केस यानी उतरी और एकदम डाउन है एक ट्रांसपोर्टेशन भी बीमार हो गई तो उसी टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में पहली बात तो बीमार होती रही अगर हो भी जाए तो वो यहाँ से उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप कह रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन में बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं बहुत कम ओके ओके अदरवाइज हो गया तो अदरवाइज उसका कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं थोड़ा मोटा जितनी भी हमारा हेल्प वापस नहीं लेते नहीं वापस अगर उनको कोई जर्म नुकसान हो कोई चोट वगैरह लगी हो ना क्योंकि हम पहले ही हमें जब लोड करते हैं फार्म से वीडियो देते हैं फार्म से लोड करते वक्त का वीडियो कॉल लगाते हैं आदमी कितने दिन में पहुंच जाता है माल 3 दिन में घोड़े को उतारा जाता है बीच में रास्ते में क्या नॉन स्टॉप जाता है नॉन स्टॉप ठीक है व्हाट अबाउट दिस वन चंबी घोड़ी है जी नीली चंबी हां कोई अननोन लाइन हुई चेतक की बच्ची है जी क्या हाइट की है ये 61 अच्छा ये खाली है क्या प्रेग्नेंट है ये 3 मंथ की प्रेग्नेंट है किससे प्रेग्नेंट है ये नुकरे घोड़े से अच्छा हां क्या नाम है वीडियो प्रूफ है अपने पास ओके ओके ठीक है ये वाली ये 61 इंच की हाइट है जी इसकी प्रेग्नेंट है हां प्रेग्नेंट नहीं प्रेग्नेंट नहीं प्रेग्नेंट नहीं खाली है और उम्र कितनी है इसकी 4 दांत एंड कितना मांग रहे हो इसका 2 लाख रुपए बोला इसका भी उतना ही कुछ मांगा था आपने इसका 2.5 लाख 2.5 लाख इसका 2 लाख रुपए ये बचेरी है बच्ची है जी हाँ सुल्तान की बागसर वाले की और 8 महीने की उम्र है कितना मांग रहे हो इसका 3.5 लाख रुपया 3.5 लाख रुपए की नौकरी हाँ जी क्यों ये दाम इतना अच्छी है जी हाइटदार बच्ची है हाँ लाइन की बच्ची है ओके व्हाट अबाउट दिस वन ये 1 साल की हो गई जी थोड़ी नरम चल रही है क्या नहीं नहीं वैसे ही अभी खाना वगैरह हो गया ना इनका तो रेस्ट कर रही है 1 साल की हो गई है 1 साल की होगी जी 59 इंच हाइट है अर्जर ओली वाले की है कितना मांग रहे हो इसका 7 लाख है जी 7 लाख रुपीस नुकरे बड़े महंगे हैं आपके शोक वेल्टी बच्ची है जी हाइटदार है अच्छा जी कितनी अभी 1 साल की उम्र में 59 हुई खड़ी है कितनी जाएगी हाइट इसकी कम से कम 63 जाएगी घोड़ी जो है कब तक की हाइट पकड़ती है कितने साल तक के घोड़ी 5 साल तक हाइट पकड़ता है ठीक है अरमान व्हाट अबाउट दिस वन ये बच्ची है जी 6-6.5 महीने की है और ये समुंदर घोड़े की बच्ची है समुंदर घोड़ा समुंदर घोड़ा और कितना मांग रहे हो इसका इसका 6 लाख रुपए है जी 6 लाख रुपए समुंदर में तो स्पॉट्स है ना हाँ है इसमें नहीं है इसमें नहीं है वो उसके समुंदर के कुछ बच्चों में स्पॉट आता है ओके आया था लास्ट ईयर वही ना हाँ हाँ वही था और कौन से हैं हमारे घोड़े ये भी दिस इज आल्सो ये भी घोड़ी है जी प्रेग्नेंट अगेन हाँ इनका जेस्टेशन पीरियड कितना होता है कितने महीने की प्रेगनेंसी होती है इनकी 10 to 11 months 10 to 11 months ये कितना महीना प्रेगनेंट है ये 2 month 2 month में खाने पीने में ज्यादा है लगता हाँ, है ज्यादा बॉडी स्ट्रक्चर लाइन की घोड़ी है अच्छी घोड़ी है इसके कारण बारी बहुत कौन सी लाइन की है ये करतारे वाले घोड़े की बच्ची है कितना मांग रहे हो इसका इसका 6.5 लाख रुपए 6.5 लाख आप आगे आइए आप दिख नहीं रहे सन के अगेंस्ट खड़े हो ना हाँ जी क्या हाइट है इसकी 62 प्लस है जी 62 प्लस 62 प्लस है जी हाँ और 5.5 साल की उम्र है ओके इसका ये दूसरे बरलाय जी के है जीता स्टार्ट फार्म वालों के अच्छा ये अपनी नहीं है अपनी और कौन सी है अपनी वो है सभी डिटेल्स बहुत है इतनी का जा ये क्या मजू की लाइन की है क्या हाँ ये मजू की लाइन की है रंग वैसा है हाँ दिस इज आवर्स फतेह की बच्ची है जी हमारी है ये सॉरी हाँ हाँ अपनी बहुत खूबसूरत है फतेह की बच्ची है हाँ जी और प्रेगनेंट है अभी हाँ प्रेगनेंट किससे ये अच्छा घोड़ा है जी एक उससे वीडियो प्रूफ है अच्छा यानी आपने खरीदा है हाँ खरीदा कितना मांग रहे हो इसका 7 लाख है जी एंड कितने साल की आपने कहा 4 दांत है जी अभी 4 दांत है और कितना महीना प्रेग्नेंट है ये 3 मंथ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट ओके एंड हाइट कितनी 63 7 लाख इज द आस्किंग प्राइस ठीक है
और कौन से घोड़े हैं? ये बच्ची है जी बताप घोड़े की, चार महीने की हुई है जी, और इसका 5 लाख रुपया है। 5 लाख? कोई बछेरा नहीं है? कोल्ड नहीं, इस टाइम सभी फीमेल्स हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी घोड़ी है जी। क्या उम्र की है ये? 2 दांत है। 2 दांत? और क्या हाइट की है? 63। खुश नहीं लग रहे हो आज के माल? नहीं खुश है जी, स्माइल ही नहीं है आज, इतना उदास होके इंटरव्यू दे रहा है। इतना नहीं, पब्लिक कैसे फिर मजे लेगी? नहीं, रोबोट जैसा नहीं, वो अरमान अलग था, जगराओं वाला ही अलग है। अरमान कितना मांग रहे हो इसका? इसका 6 लाख है जी। 6 लाख रुपीस, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन? नुकरी घोड़ी है जी। हाँ हाँ, और 5 साल की उम्र है, 62 प्लस हाइट है। कोई लाइन की नहीं है ना? नहीं। कितना मांग रहे हो इसका? इसका भी 6 लाख। 6 लाख रुपीस। व्हाट अबाउट दिस किड? ये भी बच्ची है जी। अननोन? ये समुंदर की है जी। हाँ, कितना मांग रहे हो? इसका 5 लाख। 5 लाख रुपीस। पैर वैर में तो कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल साफ सुथरा है जी, कोई सभी जानवर हमारे साफ सुथरे जानवर है। ओके जी, ओके। चलिए, आपका नंबर क्या है? 9501914179। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम आपका? प्रकट सिंह। और बच्चे का नाम? करूर सिंह। और ये छोटा ला? नवजोत। कौन सी क्लास में? फर्स्ट। आप? हम रम बस 8 पढ़े हैं। घोड़े बेच रहे हो? हाँ, घोड़े बेच रहे हैं। बच्चों को क्या कराओगे? कनाडा भेजोगे? घोड़ों का शौक है। घोड़ों का, घोड़ों का व्यापार में? हाँ जी, शौक है इनको। हाँ, क्या ऐसी जबरदस्ती घुसा रहे? ना, फुल शौक जी। शौक है। हाँ, घोड़ी पे राइडिंग भी करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 11 साल। 11 साल में राइडिंग करते हो घोड़ी पे? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? हरनूर सिंह। हरनूर, थैंक यू। हैंडल करने आता है घोड़ी को? हैंडल कर लेते हो पकड़ के? आते हैं। चलिए, बढ़िया। आपका नाम क्या है? बलजीत सिंह। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए चलिए बेटा, कोई घोड़ा पसंद है? घोड़ा पसंद है? क्या, कौन सा वाला? नाम कोई घोड़े का बताओ जो पसंद है। नहीं, घोड़े का नाम तुम बताओ। कोई घोड़े का नाम? अर्जुन। और समुंदर? आज को पता है तुझे? पता है तो नुकरा बोल रहा है। पापा से सीख ले थोड़ा। चलो, ये मेरा दोस्त का बच्चा, ये मेरा बेटा। ओके ओके, दोनों को सेम टी शर्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या खा रहे हो आप? नशा तो नहीं है ना? नशा होगा तो फिर क्या है, घोड़ा रखे ठीक है। क्या नाम है आपका? ऐसे अवतार के साथ ही थे अवतार। अरे आप अवतार भाई, आपका मैसेज आया मुझे, ये थे आप? नहीं थे आप? मैं उधर ही था। हाँ, अवतार क्या खिला रहे? अरे मैं नशा आ रहा, बेहोश हो रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या पोलो है? पोलो, पोलो दी है, पंजाबी पोलो है। पंजाबी? अच्छे की अलग है। मेले वाले पसंद आए? घोड़ा कोई कोई ढंग का लगा? क्या घोड़े तो काफी है सभी। कल आएंगे? ज्यादा आएंगे अभी आ रहे हैं। आप कितने दिन तक इधर हो? बस कल या परसों। बोलो, आप क्या नौकरे हो क्या? मारवाड़ी हो आप? मैं कुछ भी नहीं। ब्रीडिंग कितनी, कितनी ब्रीडिंग की हो? मैंने रिजल्ट कैसा है? वो बंदा है हमारे पास। रिजल्ट क्या स्पॉटलेस निकला है? हमारे पास है बंदा। ऐसी डाल दूंगा। हमारे दोस्त अवतार जो है, अवतार ने बोला हमारे फ्रेंड का एक घोड़ा है वो कवर करो, राइट अवतार? हाँ जी बिल्कुल। अवतार क्या नाम है आपके दोस्त का? मेरे इसका नाम है सारंग। और आपकी कैसे पहचान हुई इनसे? बस बचपन से ही। मेरा एक और फ्रेंड है कुलवीर सिद्धू, उसी का भी आप ही की तरह चैनल है। मैं और कुलवीर सिद्धू आपस में क्लासमेट है, हमने इकट्ठा नर्सरी से लेके
टेंथ तक अपन हमने इकट्ठा पढ़ाई की। ये उनका आगे फ्रेंड है। क्या लेके? तो उनके साथ है, उनका कजन है। ये उनके कजन है और कॉमन फ्रेंड है हम। और आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सारंग समाजी है। सारंग जी। हाँ जी। ओके, और कहाँ, उन्हीं के गांव के वहाँ? नहीं जी, मेरा गांव सरायला जी, इनका गांव सरामा बोदला है। ठीक है, आपके दोस्त ने बोला कि भाई इनकी घोड़े कवर करो, बहुत हाँ, बस दोस्ती ये इसी बात से तो पता लगता है। क्या नाम है घोड़े का? क्या नाम है घोड़े का? इसका ये अभी घोड़ा नहीं कह सकते, ये अभी बच्चा है, दो दांत। कोल्ट है? हाँ कोल्ट है जी, ये गुगू है जी। टू टीथ कोल्ट, क्या नाम है? टू टीथ है इसका, मेन गुगू है। गुगू का? हाँ जी। नाम क्या है इसका? गुगू। गुगू GUGU? हाँ, गुगू गिल वाला गुगू। क्या मतलब है गुगू का? हमारे यहाँ पे मानी खेड़े में ना गुगू गिल बहुत फेमस है, पंजाबी एक्टर। अच्छा, पंजाबी एक्टर, पंजाबी एक्टर है। वैसे ये अपनी एज में ये सबसे फेमस चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ। क्या हाइट का है? आप थोड़ा हटोगे? इसकी हाइट 69 इंच है जी, 69 इंच। हाँ जी, मैजिक किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप साथ खड़ के देखो। नहीं नहीं, आपको तो भरोसा है? नहीं नहीं जी, आप वैसे भी बेचने के लिए तो है? नहीं, बेचने के लिए नहीं है, ब्रीडिंग पर्पस के लिए। हाँ जी, ब्रीडिंग पर्पस। लेकिन अभी तो कोल्ट ही है ना? अभी कोल्ट है जी, अपन ने ना 2 साल का छोड़ दिया था इसको। अभी ये 35 महीने का हो गया जी, इसके 2 बच्चियां आ गई अभी। तो बच्चे समझ में नहीं आ रहे होंगे कैसा रिजल्ट है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है। नहीं, 2-4 दिन ही आए बच्चे आए उनको। ओके, इसकी बच्चियां ऐसी हैं अभी, एक दिन की बच्ची का हमने 3 लाख रुपया लगा दिया और दे नहीं रहे अभी। कितना लगाया? 3 लाख एक दिन की बच्ची का। दोनों बच्ची का ही ऐसे सेम प्राइस लगाया। ये आपने कितने में खरीदा? ये घर का बच्चा है जी। अच्छा, हाँ जी। और इसका कौन सी लाइफ का है ये? ये बताप घोड़े का बच्चा है जी। बताप? हाँ जी, जो सलमान खान जी ले गए थे ना, सुपाल बराड़ जी से, खान वाले वाला, उसका बच्चा है जी। मदर साइड कौन है? मदर साइड? मदर इसकी जुगनी घोड़ी है जी, उसका फादर है जो राजा चैंपियन घोड़ा है जी, जो सरकारी शो थे। खुल गया आपका घोड़ा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खड़ दो खड़ दो खड़ दो खड़ दो, छाड़ दो छाड़ दो छाड़ दो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। कभी ऐसा हुआ है सर घोड़ा छूट गया है? मैंने एक दो वीडियो देखा हूँ। हाँ जी। हाँ नहीं नहीं, कई बार ना घोड़ा डर जाता है मंडी में, कोई ऐसी बात नहीं, उधम मचा देता हूँ। हाँ उधम, ये जब का है उधम मचा रहा है, क्योंकि पहली बार निकला है जी गाँव मंडी में, पहली दोनों घोड़ी पहली बार निकले हैं। अच्छा, ये भी आपका है? हाँ ये भी अपना है। ठीक है, इसका क्रॉसिंग फी अभी कितना लोगे? इसकी 31,000 है जी। ओके, आपको फोन नंबर? 7657940032। घोड़े तो बहुत है यहाँ पे नुकरे। हाँ, इसके पास क्यों आना चाहिए क्रॉसिंग कराने? सबसे पहले तो ये आज के टाइम जो है शो का टाइम है जी, स्पॉटलेस का टाइम है, और इस घोड़े पे अपन ने 1,00,000 रुपया नाम रखा है। अगर कोई भी इस पे एक भी दाग ढूंढ दे और निकाला हुआ ढूंढ दे, कारीगरी तो नहीं की गई, कारागिरी भी ढूंढ दे, कोई किसी डॉक्टर को ले आके खवा दे भी, इसकी हमने कारागिरी की है। ओके, इस पे और इसकी बहन अपने पास घर पे एक, वो भी ऐसी है, वो इससे साल 1 साल बड़ी है, वो भी नेचुरल स्पॉटलेस है। ओके ओके, लेट्स कम टू दिस वन, ये वाला देखिए, बताइए इसके बारे में, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम रणविजय। रणविजय? हाँ जी। और कोई शो में उतारे हो इसको पहले? इसको जी 2 शो में उतार दिया जी, इसी साल उतारा है। आप यहाँ पे आओगे, घोड़ा का चेहरा छुप जा रहा है। हाँ, ये इसी साल उतारा है जी। कौन से शो में? ये कुरुक्षेत्र में, पहले तो 5th पोजीशन पे आया जी। ये कुरुक्षेत्र का नाम बहुत सुन रहा हूँ, कब लगता है कुरुक्षेत्र का? ये 5-6-7 जनवरी को था जी। अच्छा, अभी? हाँ जी, अभी निकला है। नेक्स्ट कौन सा बड़ा शो या मेला होने? ये मुक्सर वाला हुआ जी, इसके बाद इसमें भी पोजीशन ली इसने अच्छी। ये उतारा था? हाँ, ये भी वहाँ भी जीता है जी, अपनी सभी स्टैलियन से छोटी उम्र का था, क्योंकि 3.5 साल का है अभी, 2 दांत से 4 दांत हुआ है जी। तो स्टैलियन? हाँ, स्टैलियन में डाला है जी। स्टैलियन महावीर, क्या नाम है? रणविजय। रणविजय, रणविजय। और कौन सी पोजीशन पे उतरा है? ये 9th पोजीशन पे है जी। 9th पोजीशन, फर्स्ट टू लेके कितने थे? हाँ जी, टोटल घोड़े कितने थे? 20 घोड़े थे जी। अच्छा, तो राउंड 2 तक के गया। हाँ जी, बाकी जो फर्स्ट से लेके 8th पोजीशन तक आए ना जी, सभी के सभी घोड़े एक ना एक शो में फर्स्ट पोजीशन पे आए हुए हैं। ये पहली बार? हाँ जी, जो इससे पहले लगा है शिवराज घोड़ा जी, वो लास्ट टाइम फरीदकोट चैंपियन था, और उसके आगे भी ऐसी हैं जी जो पहले फर्स्ट सेकंड पोजीशन चाहते हैं। अभी बचेरिया भी सब जीती भी थी, कोई भी कोई लूजर आया नहीं था, सारे विनर्स। हाँ, सभी विनर्स से बहुत फसमा मुकाबला था ना, बहुत मजा आया। नहीं, जजिंग भी बहुत फेयर हुई है जी। जी जी। नहीं, कई बार कोई होता है 9th पोजीशन लेके अगला आता है, जजिंग फेयर नहीं हुई, देख रहा था सभी घोड़े चैंपियन थे इस रिंग में, तो नाम लेना ही बहुत बड़ी बात है ना। इसका बच्चा भी एक जी 11 महीने का पोजीशन पे आया है जी, वो भी रिंग में सबसे छोटा था जी। ये कौन सी लाइन का है सर? ये प्रिंस डोड का बच्चा है जी। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 65 इंचेस है। 65? अच्छा, वहाँ पे डिटेल्स? हाँ जी, ठीक है। ये क्रॉसिंग के लिए अवेलेबल? हाँ, ये अवेलेबल है। इसकी क्या फीस है? इसकी 21,000 है। उसकी कितनी थी? उसकी 31,000 है जी। तो इसकी क्यों कम है? इसकी अभी बाकी उसकी हाइट और क्वालिटी स्पॉटलेस वगैरह। 69, ये 65। हाँ जी, इसके लिए फिर हाइट का तो पकड़ेगा ना? और नहीं जी, वो पकड़ेगा, और अभी ये नहीं पकड़ेगा, ये बस 1/2 इंच कर जाएगा। ओके, वो अभी 2 इंच और कर जाएगा। ठीक है,
आपका नंबर दीजिए दोबारा। 7657940032। ठीक है, ये घोड़े का नाम क्या बोला? रणविजय जी। और उसका नाम गुगु है जी। गुगु। और आपका नाम? सारंग समाज जी। पड़ोस में जो खड़ा है वो भाई अवतार। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू अवतार भाई। थैंक यू जी। आपका नाम क्या बोला आपने? सारंग समाज जी। SARANG। हाँ जी। ओके, फैंटास्टिक, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र नांदेड़ से आए हैं। हाँ, हाँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमुख सिंह चहल है। नांदेड़ में बहुत पंजाबी रहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। आई सी यहाँ से दिल्ली से जब नांदेड़ के लिए ट्रेन निकलती है सारे पंजाबी। हाँ, सचखंड, सचखंड एक्सप्रेस जाती है। गुरुद्वारा है, दसवें पिता का गुरुद्वारा, अफजल नगर कहा जाता है उसको। और वहाँ हमारे दसवें गुरु जी ने अपने शरीर त्यागा था, तो दैट्स व्हाई इट्स हमारे पांच तख्त होते हैं। इट्स वन ऑफ द रिनाउंड तख्त बिटवीन फाइव ऑफ देम। ओके, व्हाट इज योर नेम सर? आई डिडंट गेट यू। My full name is Gurmukh Singh Chahal. Gurmukh. हाँ. Chahal. Gurmukh Singh Chahal. Okay. And my friends and all my colleagues there. आप वहाँ पे काम करते हो क्या? I'm into business. I'm into sale purchase. हाँ. I'm into sale purchase of premium cars plus 4x4s. And commercial construction equipments also. सर नांदेड़ में तो मैं कभी गया नहीं, but if somebody has to go to नांदेड़, what is so special about नांदेड़? क्या चीज देखना चाहिए लोगों को? नांदेड़ again you will find. You will find there many horses, first of all. Many of them are, क्योंकि हमारे निहंग सिंहों का भी वहाँ डेरे हैं, और जो दसवें गुरु के जहाँ जहाँ गुरुद्वारे आपको वहाँ पे घोड़े मिलेंगे ही मिलेंगे। निहंग सिंह वो जो ब्लू कॉस्ट्यूम पहनते हैं? हाँ जी, हाँ जी, निहंग सिंह उनको कहा जाता है। गुरु की फौज एंटर करते हैं तो एक लेफ्ट साइड राइट साइड आता है गुरुद्वारा है, सारे ब्लू कॉस्ट्यूम में है। दे ऑल आर निहंग सिंह्स ओनली, दे ऑल आर निहंग सिंह्स ओनली। मेरे ख्याल से मुक्सर जब मेन डे होता है तो सिटी में कुछ इनका एक रैली निकलती है ना? हाँ, व्हाट इज दैट फॉर? वो किस पर्पस? दैट्स अ रिलीजियस रैली यू कैन से। ओके, दे आर द आर्मी ऑफ द 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, एंड दे देमसेल्फ थिंक दे आर द आर्मी मैन एंड स्टिल दे आर सर्विंग फॉर हिम। आपने कोई अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं लाया यहां पे मेला घूमने? नहीं सर, एक्चुअली आई वाज इनटू अ बिजनेस ट्रिप एंड ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड। क्या नाम है आपका सर? माय नेम इज निहाल। निहाल, पूरा नाम था सपना निहाल। ये भी मुस्लिम है? यहां निहाल फतेह। हाँ जी, फतेह। हाँ, बत्ते, 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 पंजाबी हो आप? हाँ, अहमदगढ़ मंडी से आए हम यहाँ से। तो आप ही घोड़े बेचते हो? नहीं 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 सर। अच्छा, आप बिजनेस में हो? ओके, घोड़े वोड़े का खाली शौक है? ही इज अ फाइनेंसर बेसिकली, ही फाइनेंस टू व्हीलर्स व्हीकल। सो यू मस्ट हैव केप्ट सम हॉर्सेस इन नांदेड़। नो, आई एम गोइंग टू purchase a horse. Have you ever kept a horse in your life? No, not yet. Never, but I'm very much fond, my kids are very much fond of that. Even my wife, she is also very much supporting for this. I'm having a farmhouse there, and with the God grace, with the Vaiju di kirpa de naal, I'm sure you will. Bahut samay actually abhi to upar wale ka karam, agar upar wale ka karam saath mein hoga to zarur aayenge. I've generally seen Punjabi community or Muslim community, they keep a lot of animals. बहुत सारे जानवर ट्रेडिंग में भी है। नहीं नहीं, सबसे मुस्लिम के जो बकरे, अरे मोनोपोलिस्ट हैं वो इस चीज में। बकरे हो या आप हमारे उस्मानाबादी, अब इधर हैदराबाद, इधर मराठवाड़ा एरिया में बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं मुस्लिम्स वहाँ पे। हाँ, ब्यूटीफुल, दे आर हैविंग एक से एक जानवर। आई थिंक महाराष्ट्र में इंटीरियर्स में मैं सिर्फ धुले गया था। No, the Marathwada area, that's famous for the home breed of, you can say, the local dogs. कारवा हॉर्न्स और ऑल फ्रॉम मराठवाड़ा, जो शिकारी कुत्ते अपन बोलते हैं। हाँ, पतले स्ट्रीमलाइन बॉडी रहती पूरी उनकी। हाँ, रेस वाले, राइट राइट। मैंने एक्चुअली कारवान की रेस यहाँ पे कवर किया, आई बीन टू मलेरकोटला। ओके, फरवरी। ही इज बेसिकली फ्रॉम मलेरकोटला। क्यों मलेरकोटला में तो होता है, वहाँ पे कुत्तों का एक फेयर होता है और रेसिंग वगैरह लगाती है। मलेरकोटला के मेंढे जो होते हैं ना, लड़ाई वाले, वो इतने आते हैं बम्बई में, ज्यादातर विक्रेता जो है मलेरकोटला के। मैं पर्सनली गया, एक मेंढे के लिए फेमस है, और वो बर्तन कुछ बनते हैं, पूरी फैक्ट्री है ना, जर्मन के बनते हैं। So how are you enjoying in Muksar? I always love. I think this is the only fair which I make sure I come every year except for COVID. मैं booking होटल की हो गई, फ्लाइट की हो गई, मैं 3 महीने पहले कर देता हूँ, because I don't want to miss out. ये मैं शौक के लिए आता हूँ। One thing I want to say on behalf of all the audience, all the your subscribers who are watching your channel, yes sir, that you are a very humble person first of all. Thank you sir. आपकी vocabulary बहुत अच्छी है, the way you treat the horseman and horse. That's excellent. Thank you so much. And the passion towards your horse, that is appreciated very well. I love horses more than goats, though my channel is mainly a goat channel. Starting up your goats. My first love is horse. Starting up your goats se hi hui thi. ये ऐसा चस्का है ना सर, हम तो वीडियो बना के हमें चस्का लग गया। आई कैन ओनली इमेजिन, जो घोड़े पालता है उनको तो एडिक्शन लग जाता होगा। ये तो सपनों में भी नहीं सोने देता है ये। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।
चलिए मूविंग ऑन टू दी टू एन इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल हुम आई मेट लास्ट ईयर फाजिलका के थे आप हाँ आप थे मुझे याद है मैंने आपको पूछा था कि फाजिलका की क्या चीज़ फेमस है आपने कोई मिठाई बोली थी तोशा एंड आई रिमेंबर आपने बोली थी जूती देन आई इमीडिएटली लुक्ड एट योर फीट व्हाट वर यू वेयरिंग वो गाड़ी में पड़ी अंदर एंड दिस इज व्हाट यू आर वेयरिंग सो व्हाट अ शेम सर फाजिलका से मैंने लास्ट ईयर भी बोला था जब वीडियो बनाया तो प्लीज मुझे अभी कपड़े चाहिए इसके साथ जूती डाल नहीं सकता नहीं तो अभी डाल लेता मैं हमें देखने तो मिलेगी भाई फाजिलका की जूती में ऐसी क्या बात है जो फेमस है बताइए फाजिलका की जूती अच्छा लास्ट टाइम बहुत अच्छा काला जैसा घोड़ा था बहुत स्ट्रांग बेच दिया आपने नहीं नहीं है हमारे पास देखिए आप यहाँ पे मत रहो नहीं नहीं हाँ जी हाँ जी वहाँ से भी आवाज आएगी हाँ जी ठीक है आपका नाम क्या है मेरा नाम रॉबिनजीत सिंह है रॉबिनजीत क्या हो गया वो घोड़े को लाए वो घोड़े तो मेरे थोड़ा सा ना फादर साहब के नीज ऑपरेट हुए थे आपकी प्रॉब्लम आई नीज पे हाँ जी इसलिए इस बार पैरेंट लेके आना था फिर चेंज हो गया आपके पिताजी को मेरा रिगार्ड्स कहना हाँ जरूर ये मुझे अभी भी याद है मैंने हाल ही में फेसबुक पे कट करके उतना पार्ट डाला था काफी लोगों ने देखा था तो चलिए आ गई फाजिलका की जूती ठीक है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर जब आएंगे ना टीम लेके आना हम फ्री गिव अवे देंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट करेंगे नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोल दिया बस वही बड़ी बात है और तोशा है कि नहीं तोशा भी है क्या बात है सर बताइए जरा तोशा तो खिला लीजिए फाजिलका का तोशा भी नहीं है अभी तोशा नहीं है नहीं नहीं तो बोल दिए तो क्या है ये बार कोई नहीं तो एक घोड़ा देखने नहीं मिलेगा ये बार हाँ जी इस बार नहीं घोड़ा नहीं लेके बिना घोड़े के भी महफिल जमा लेते वापस देख लो जी राजस्थान से आए हुए हैं ये हमारे दोस्त हाँ हाँ माइक माइक वो राजस्थान से आए हैं हाँ जी हाँ जी और उनके लिए पुष्कर से आए हैं अजमेर से कौन टंडन स्टार्ट फार्म वाले हैं टंडन स्टार्ट फार्म वो भाई बैठे सामने वाइट कैप ली हुई इन्होंने ओके जी ओके वो सीधा पुष्कर से अभी इधर आ रहे हैं जब हम वहाँ जाते हैं वो पूरी सेवा करते हैं हमारी भी तो रिटर्न में आप हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो हॉस्पिटैलिटी हरा उनका ये भी ये बार का मेला कैसा लगा इस बार का मेला बढ़िया है थोड़ा लेट पहले अनाउंस नहीं हुआ था कि लग नहीं रहा फिर अचानक से हाँ वो था कोई प्रॉब्लम चल रही है इनके तो बाद में चलो घोड़े वाले लगा ही लेते हैं उन्होंने बोला आप मना भी करोगे तो भी लगाएंगे हो कोई घोड़ा शिकार हुआ है ग्लैंडर्स का कोई एक आधा केस आया है कोई ज्यादा मेजर नहीं आया पंजाब में नहीं 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 ना ही हो तो इतना सीरियसली लिया जाता है उसको कंटीजियस है बहुत ज्यादा है तो खतरनाक ही है लेकिन इधर आप इस एरिया में भी नहीं अभी तक कोई लेकिन मुक्सर वाले लगा लेते हैं क्योंकि जगराओं पता नहीं क्यों कैंसिल होता है लास्ट ईयर भी कैंसिल हो गया था फरवरी में वो एक है जो डामाडोल होता है वो पता नहीं ना ये तो जब से मेरे हिसाब से बना पंजाब हुआ यहाँ शुरू से लगता है प्राइवेट फेयर है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट का ये अच्छा जो शो करवाते हैं वो दो तीन साल से प्राइवेट हो रहा है वो तो प्राइवेट है पहले गवर्नमेंट ही करवाती थी शो में बहुत मजा आता है क्योंकि एक ही जगह आप खड़े रहो सारे घोड़े लाइन से आते हैं अच्छे अच्छे घूमना नहीं पड़ता है हमारा पैर का फर्स्ट क्लास घोड़े आते हैं उधर एक से एक ऊपर करोड़ों करोड़ों के घोड़े हैं आप फाजिलका के रहने खास हां जी ठीक है मैं सर्च कर रहा था आपके कवर इमेज डालने के लिए जैसे एंटर किया क्लॉक टावर जैसा आता है राइट दस फाजिलका राइट हाउ फार फ्रॉम हियर सर यहाँ से है कोई 40-45 किलोमीटर वहाँ पे घर घर में घोड़े पाले जाते हैं अच्छे हाँ वो घोड़ा हर कोई फैमिली नहीं पालती मतलब जिनको शौक है और पैसे हाँ पैसा तो बस पैसा तो अपने आप आ जाता है जब घोड़ा आ जाता है वो तो घोड़ा उधर ही आएगा जहाँ पे वो नसीब अपना लेके आता है साथ घोड़ा तो बोलते रिजक लेके आता है मालिक का कोई फालतू बंदा तो पाल भी नहीं सकता इनको रखना ही बहुत बड़ी बात है हर कोई नहीं रख सकता इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का आप लोग मुग्ध ऑडियंस है लेकिन थैंक यू सो मच आपके ब्लॉग पे पिछली वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है वो घोड़े के साथ मैंने डाला हूँ फेसबुक पे दोबारा डाला उतना काट के एक तो पूरे ब्लॉग में था लंबा और एक स्पेशली काट के डाला क्योंकि मेरे को ऐसा था कि भाई इनका डालू मैं जूती का और एक रील भी डाला इंस्टाग्राम पे थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे पास फिर से आए हो थैंक यू मैं कल भी आया ढूंढने के लिए बोला है नहीं एक्चुअली घोड़ा ही नहीं दिखा क्योंकि घोड़ा एक जानदार लगा रहता है वो इस बार थोड़ा प्रॉब्लम ही थी तो नहीं लेके आए जानवर के एक आपको बताया कि मेला अचानक लग गया उसके कारण पहले मन ही नहीं था डैड की तबीयत भी खराब हाँ जी तो दोस्त तो फिर आते ही हैं हम तो आएंगे सारे व्हाट डू यू डू फुल टाइम क्या करते हो हमारा वैसे तो मैं मेरा श्रिंप फार्मिंग का काम है श्रिंप प्रॉन्स श्रिंप हाँ जी अच्छा यहाँ पर कैसे श्रिंप फार्मिंग उनकी आर्टिफिशियल फार्मिंग होती है इधर भी सॉल्ट वाटर वाला सॉल्ट वाटर वाला
बड़े साइज के मिलते हैं। हाँ वो है, अभी झींगे खिलाएंगे अभी आपको, झींगा फ्राई खिलाएंगे, झींगा झींगा लाला शाम को अभी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया बनाएंगे आपको, खिलाएंगे, टेस्ट कराएंगे, उसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। हाँ जी, और स्टार्ट फार्मिंग और ये बस दो ही अपने मेजर काम, बाकी फार्मिंग है। मुंबई आए कभी हमारे घर पे, हम खिलाते हैं झींगा भांगड़ा सब। भांगड़ा एक फिश होती है आपका, वो भांगड़ा नहीं डांस वाला, नहीं 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 रावस वो सब फिश के नाम। हाँ नहीं नहीं आएंगे आएंगे आपके पास भी आएंगे पक्का। थैंक यू सो मच। आपका नंबर क्या है वैसे? हमारा नाम, मेरा नंबर 9501019780। आपको व्हाट्सएप करूंगा लिंक। हाँ जी हाँ जी जरूर, जब बिल्कुल। नाम बता आपका? गौरवजीत सिंह। गौरवजीत सिंह, हमारा है पहलवान स्टड फार्म के नाम पे पेज भी है फेसबुक पे, पहलवान स्टड फार्म। पहलवान? हाँ पहलवान, पहलवान। हु इज पहलवान आप लोगों में? हमारे दादे परदादे थे, हम भी हैं। लग नहीं रहे हो वैसे वाले, नहीं है बस जैसे जो परिवार के लिए आ रहा है, जैसे चलता आ रहा है। बुजुर्ग थे हमारे परदादा जी, उनसे पहलवान बस नाम मिला हुआ है, तो उनके हिस्टोरिकली बस चलता आ रहा है। जिम के बाहर से कन्नी काट के निकल लेते हैं आप तो? हम अभी बस पहलवानी कहाँ होती है, रहे नहीं वो बातें, नहीं रहेगी ज्यादा। आई थिंक पंजाब में ज्यादा फिट ही है लोग, क्योंकि चलते फिरते अब पहलवानी कोई करता ही नहीं है अब तो, इसलिए वो पुराने टाइम के गेम थी तो उस टाइम फेमस था पूरा। एक बंदा आता है बड़ा पीछे, उनके स्टड फार्म का नाम ही पहलवान स्टड फार्म है, एंड ही इज आई थिंक पंजाब की कबड्डी प्लेयर है, उनका भी इंटरव्यू लेते। एक बंदा आता है, आते हैं और भी है लोग हैं, यानी पंजाब ने तो लगा यूट्यूब पे भी इतनी वीडियो चलती है पहलवानों की, पूछो मत। ये अपने भाई साहब जो आपको बोल रहा था पुष्कर से आए हैं, टंडन स्टड फार्म वाले, अब इनका भी ब्लॉग डालना, आप इनसे भी जरूर मैं करना इंटरव्यू। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है घोड़े का? समंदर। समंदर, ये कहाँ पे टेंट लगाया समंदर? यहाँ पे है आगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? और आपका घोड़े बेचते हो क्या, ऐसी शौक करने है? नहीं है, है इसके बाद घोड़ी मेरे। आपका नाम? चंगी घोड़े, मेरा गुरप्रीत सिंह। कहाँ पे है आपकी घोड़ी? अच्छा घर पे रखी है? घर पे के पास घोड़ा है। अभी नया नया शौक है भाई, नवा नवा शौक किया है, नया नया शौक है। तो यहाँ पे घोड़ी ढूंढने आए? नहीं नहीं, अभी तो ऐसे घूमने आए हैं। ओके ओके ठीक है। कैसा लगा ये बार का मेला? बहुत अच्छा, इस बार पहले से ज्यादा भारी है मेला। क्या खास लगता है मुक्तसर मेले में? जानवर अच्छे आए हैं। पंजाब में और भी मेले लगते हैं, इसमें क्या खास बात? यहाँ पर थोड़ा रश ज्यादा होता है, रौनक ज्यादा होती है, इसी के लिए मुक्तसर का मेला बहुत पुराना लगता है ना, इसके लिए हमारी शान है ये मेला। आप ये लोकल हो यहाँ के? लोकल। ठीक है ठीक है। चलिए, वैसे करते क्या हो आप लोग? हम बस घोड़े पालते हैं। अच्छा घोड़े वाले ही हो आप? घोड़े वाले। नहीं, प्रोफेशनली क्या करते हो? यही काम है, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी और घोड़े। तो घोड़े में इतनी कमाई है क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग घोड़े पालते हैं? शौक है, शौक के लिए। पैसे भी तो होता है, खाली शौक तो कोई नहीं करे, पैसे तो आते होंगे। पैसे बारे में सोचा नहीं अभी तक, तो शौक ही है भाई, अभी तक पैसा आगे देखेंगे जब पैसा आएगा। अगर किसी को घोड़े की इंडस्ट्री में पैसे कमाना है तो क्या एज ए ब्रीडर करना चाहिए, क्या स्टैलियन लेके आ जाए नाम वाला, और एज ए ब्रीडर यानी घोड़िया लेके बच्चे? अभी तो हमें बहुत कम नॉलेज है, पर हमारे हिसाब से तो ब्रीडर ही है सब। आपको कहाँ से कीड़ा लगा है घोड़े का? हम हमको शुरू से ही था, जब बच्चे दादा पालते थे तब से। बाप दादा पालते थे आप लोग? हाँ जी, बाप दादा पाले करते थे। हाँ हाँ, पहले पालते घोड़े। चलिए, बड़ा महंगा शौक है लेकिन। हाँ, महंगा है। चलिए एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम था आपका? FSA। यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि भाई भटिंडा से फ़्लाइट जो है वो शुरू हो गई दिल्ली के लिए, तो आई हैव गो टू दिल्ली, आई थिंक फ्लाइट विल बी मच बेटर। फिर दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी। पंजाब मेल से तो मैं तंग आ गया हूँ यार, इतना स्लो चलती है, हर स्टेशन पे मत्था टेकती है। एंड मैं चेक कर रहा था रनिंग स्टेटस, बॉम्बे ऑलमोस्ट एवरी डे 4-5 घंटा लेट ही पहुँचती है, 31 आवर्स की जर्नी हो जाती है 36 आवर्स। प्रॉब्ली कोई पंजाब का रेलवे मिनिस्टर आना चाहिए, वो स्टार्ट से डायरेक्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू पंजाब, या तो एयरपोर्ट खोल दो यार और बॉम्बे फ्लाइट रन करो।
नहीं ये क्या चीज है भाई, ये आवरू ठीक करू कब्ज नु फिर क्या चीज है ये आ गई भाई बड़े बड़े पैसे उधर बैठे शुगर के लिए क्लास आई शुगर के लिए हां जी हां जाओ जी पैसे उधर उतर सर क्या है ये मैं देख रहा हूँ कल से आप बेच रहे हो क्या नाम है आपका वैसे सर मेरा नाम जसपाल सिंह कटारी क्या है जसपाल जी ये लकड़ी का बना हुआ सर रूहड़े की लकड़ी का ग्लास है कौन सी लकड़ी रूहड़े की लकड़ी का ग्लास है क्या है खास बात इसकी खास बात इसकी ये है कि शुगर को कंट्रोल करेगा ऐसे कैसे लकड़ी कंट्रोल करती है सर पहले जो बीमारियाँ थी नेचुरल तरीके से ठीक की जाती थी तो उसी प्रकार का जी आज का नहीं है बहुत हजारों साल पुराना ग्लास है जी अभी जैसे हम सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं या जैसे मेले में प्रदर्शनी लगी हुई है तो इसमें पानी पीना है इसमें रात को पानी डालकर रखना है सुबह खाली पेट कांच के गिलास में पानी छान कर पी लेना कांच के गिलास इसे निकालो कांच के गिलास में छन्नी डाल के या कपड़े या कपड़ा रख के छान लो हाँ और आधा घंटा कुछ खाना पीना नहीं आधे घंटे के बाद नॉर्मली पानी पी लेना और जिन लोगों का शुगर बढ़ता है कब्ज रहती है गैस बनती है उसे ये ठीक करेगा नेचुरल तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करता है कितने का दे रहे हो आप सर ये अगर हमारे पास आके लेके आता 300 का ग्लास अवेलेबल है अगर किसी ने ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उन्हें हम 500 रुपए का बड़े वाला ग्लास कुरियर करते हैं ये तो कितना ग्लास पीना चाहिए दिन में सर सुबह खाली पेट एक ग्लास ही पीना है कौन सा बड़ा वाला या छोटा छोटा वाला पी ले बड़े वाला पी ले एक ही बात है जहाँ पर गिट्टी लगी हुई है इसकी लाइफ बढ़ जाती है ओके ठीक है ना पानी एक एक जैसा ही बढ़ता है और साथ में इसका बरादा देंगे इसी लकड़ी का पाउडर है जी जब हम डेली पानी निकालते हैं ठीक है इसका अर्ग कम होना शुरू हो जाता है आफ्टर 15 दिन बाद इसे शुरू कर लेना है एक चम्मच इसके अंदर डाल लेना है पानी को छान लेना है वैसे ही बरादा रिवर्स ग्लास में डाल देना है एक चम्मच को 3 दिन यूज करेंगे और चौथे दिन चेंज कर लेंगे नया डाल ये कितने का देने वाला दाम बताओ मैं अभी एक लेके जा रहा हूँ सर मेरे घर पे बहुत डायबिटिक पेशेंट्स है सर ये 500 रुपए का ग्लास है तो छोटा वाला 2 दे दो मेरे को है ना कोई बात नहीं चलिए चल दे दीजिए मुझे छोटा आप गूगल पे लेते हो कोई बात नहीं ले लोगे दे दीजिए मुझे चलिए आपका नंबर क्या है सर मेरा नंबर है बोल दो 94174-54493 ये नंबर है सर बट गारंटी है ना कि पैसे देंगे तो भाई मिल जाए आपका फिजिकल शॉप है कोई सर मैं घर से ही डील करता हूँ कहाँ पे रहते हो मैं डिस्ट्रिक्ट बरनाला मेरा जो गाँव है हंडाया है और हम ये आज से नहीं काम कर रहे लगभग एक साल से ऑनलाइन काम तो कैश ऑन डिलीवरी दोगे नहीं एडवांस है सर एडवांस पूरा है सर ठीक है चलिए थैंक यू किसका है घोड़ा हेलो सर क्या नाम है आपका मेरा नाम सुरेंद्र वर्क जी और घोड़े का नाम क्या है घोड़े का नाम पर्वत जी पर्वत बिल्कुल जी पर्वत यानी हाई पहाड़ पर्वत तो पहाड़ का नाम हिमालय है तो सारे चट्टानों वाले नाम है बिल्कुल क्या हाइट इसकी कितनी है हाइट इसकी 64 जी 64 अभी दो दांत बच्चा है दो दांत बच्चे में 64 हाइट की है कौन सी लाइन का है ये हिमालय का बच्चा है हिमालय का बच्चा हिमालय राजस्थान में था उसका ओके ओके सर यही रंग रहने वाला है कि बाद में जाके व्हाइट हो जाएगा जी सब व्हाइट हो जाएगा सभी व्हाइट हो ये वो जनरली मजू की लाइन वाले ऐसे रहते हैं वो हो जाएगा ओके ओके क्या बेचने को लाए हो आप बिल्कुल जी कितना मांग रहे हो आप इसका 11 लाख रुपए 11 लाख रुपीज बिल्कुल 11 लाख रुपीज बिल्कुल जी ओके नेगोशिएबल है गुंजाइश है उसमें हाँ हो जाएगी थोड़ी बहुत कितनी देखो कोई ग्राहक आएगा बैठ कर डील होगी 5-5.5 में छोड़ दोगे नहीं जी जब कोई ग्राहक बैठ के डील करता है तो बात बनती है जी ओके कोई भी तो सौदा ये आपने क्या बेचने के लिए खरीदा है हाल ही में क्या पल्ला नहीं छोटा बच्चे तैयार किया जी ये राजस्थान से लेके आए थे बलोतरा मेले से बलोतरा ये संचार में ब्रीड हुआ है ओके अब बेचना है 11 लाख इज द आस्किंग प्राइस नंबर आपका फोन नंबर मेरा नाम नंबर 7374-83588 दोबारा बोलिए इंग्लिश में बोल सकते हैं 7347483588 और आपका पूरा नाम सुरेंद्र विर्क और कहां से हो एग्जैक्टली गांव रसूलपुर जिला तरनतारन डॉक्टर स्टड फार्म से कौन सा फार्म डॉक्टर स्टड फार्म अपने पास वीर स्टेलियन है बहुत फेमस नुकरा ओके जी बहुत अच्छा स्टेलियन है अभी अभी अपने जो शो में बच्ची अपनी विनर आई थी रूपमणि सागर नुकरे में मिल्क टीथ में ओके बहुत अच्छी बच्ची थी और कौन सा वो भी आपका घोड़ा जी अपने घोड़े बच्चे घोड़ी है वो आजो क्या नाम है सर इसका ये हमारे दिलशान की घोड़े की बच्ची है जो फूल सिंह वाला दिलशान है हाँ
तो अभी जो चार दांत हुई है। और क्या हाइट की है ये? इसकी 63 हाइट है, बहुत अच्छी घोड़ी है। कितना मांग रहे हो इसका? इसका फोन पे होगा ये डील जो भी है। नेक बहुत अच्छी है। हाँ, नेक बहुत अच्छी है। अभी ये सप्ताह से सुपर करवाई हुई है, देखो क्या होता है। अभी तो कुछ दिन हुए हैं सप्ताह से। कंफर्म डेली की नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुई। कंफर्म नहीं है। हाँ, कम दिन है। ठीक है, तो सप्ताह ऑस्ट्रेलियन बहुत अच्छा है। ओके, तो उससे जे हाँ बहुत अच्छी बॉडी वाली घोड़ी है। और हाइट पकड़ेगी ना? हाँ, अभी तो चार दांत हुई है अभी। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, वंस अगेन आपका नंबर दे दीजिए। अकेला ब्लेज है जी, एक सामने मत। हाँ, ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। एनीबॉडी इंटरेस्टेड? एक अपने पास काले कांटे की बच्ची भी है, बताएंगे? वो तो कवर डाल के रखा है, समझ नहीं आ रहा। कवर डाला हुआ था। कहाँ पे? अंदर है जी, आ जाइए इधर से। ये काले कांटे की बच्ची है। हाँ, डायरेक्ट काले कांटे की बच्ची, बिल्कुल डायरेक्ट काले कांटे की। डीएनए तक की अपनी गारंटी है। इसकी जो माँ है वो गोल्डन स्टार की थी। ओके, और अभी ये 15 महीने की बच्ची हुई है। तो अपने पास पैदा हुई है? नहीं, अपने मित्र के पास पैदा हुई है। ओके, ओके। हाँ, और इसका जो डीएनए तक का सब कुछ अपना होगा। अभी देख के, एग्जैक्ट उम्र कितनी है? अभी 15 महीने की होगी। 15 महीने की। हाँ, काले कांटे की डायरेक्ट बच्ची। हाँ बिल्कुल, बेचने के लिए लेके आए। 6 लाख रूपए इसकी। 6 लाख रूपए। हाँ, और ये बच्ची है 5 महीने की, जय मंगल बच्ची है। बहुत ही अच्छी व्हाइट आईज, कान कंडीशन बहुत अच्छी बच्ची है। शो क्वालिटी बनने वाली बच्ची है जी। अभी 5 महीने की है। कौन सी लाइन की है? जय व्हाइट शान घोड़ा है हमारे नाबा एरिया में, उसकी बच्ची है। आप नाबा के हो? नहीं, हम तो तरनतारन डिस्ट्रिक्ट से, बच्ची उधर से लेके आए। नाबा एक मंडी भी लगती है? हाँ, नाबा मंडी लगती है। बहुत अच्छी बच्ची बनने वाली बच्ची है जी। अपने पास घर पे जानवर भी होते हैं सेल के लिए, कोई भी मित्र मान के चलो बात करे तो जानवर मिल सकते हैं कहीं। लास्ट में 7348 हमारा दो हम भाई हैं, पार्टनरशिप में काम है। राजगिल चुगावा मोगा में फुल टाइम यही करते हो काम? जी बिल्कुल, यही काम है। और मेरा सुरेंद्र वीर का नाम है, डॉक्टर स्टार्ट फार्म परमात्मा के सुरेंद्र जी से कॉन्टेक्ट कीजिए बच्चों के लिए। बिल्कुल, कितने का मिल जाएगा छोटा बच्चा? ये इसका 80,000 रुपया जी। ये ऑर्डिनरी है यानी कोई ब्लड लाइन वाला नहीं? हाँ, अपने पास नुकरा घोड़ा था बादल। हाँ, उसकी बच्ची है जी। ओके, हाँ, अभी जो 5 महीने की। और ये वाली? ये अच्छी लग रही है। हाँ, ये सप्ताश घोड़े की पोती है, अभी जी होगी 15 महीने की। बहुत अच्छी बच्ची है। इसका मांग रहे हैं जी 3 लाख रूपए। 3 लाख रूपए? 58 है जी। और ये नुकरी? हाँ, ये 2 दांत अभी भी हुई है, तो इसका मांग रहे हैं 5.5 लाख रूपए। 5.5 लाख? बिल्कुल, 5.5 लाख रूपए। क्या हाइट की है ये? अभी होगी जी 60 इंच होगी। अननोन है ये? हाँ, नहीं जी है, अपने गल कला चित घोड़े की। ओके, हाँ चैंपियन घोड़ा है ये। अपने पास वीर घोड़ा है, उसकी बच्ची है। ओके, और ये जी कितनी उम्र की है जी? अभी होगी 14 महीने की। और इसका कितना मांग रहे हो? इसका मांग रहे हैं जी 3 लाख रूपए। 3 लाख रूपए जी। और ये वाली? ये राजस्थान में बबर थलाला घोड़ा है। हाँ, उसकी पोती है जी। क्या उम्र की है? जी होगी जी अभी 11 महीने की। और कितना मांग रहे हो? इसका 3.5 लाख रूपए। 3.5 लाख जी। चलिए वंस अगेन। और वो खड़ी है? हाँ घोड़ी है जी, वो अननोन है। हाँ, तो उसके हमें लाइन का नहीं कन्फर्म है कोई भी। अभी वो पंजारे 5 साल की होगी है। अभी गाबर नहीं करवाई, खाली है घोड़ी, अंदर से बिल्कुल सही है। और उसका मांग रहे हैं हम 2,11,000 रूपए। हम जेनुअन रेट होता है, कोई ज्यादा नहीं है, ऐसे नहीं की बात। जब कोई भाई बैठ के बात करेगा तो बात हो जाती है, क्योंकि नफा कोटेशन भी आप ही करवा लेते हैं। बिल्कुल, सेल परचेज का काम है, कुछ मुनाफा मिले तो चलो, और कोई आप भी खाने के लिए रोटी के लिए चल फिर रहे हैं, हम भी चल फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए भाई, घोड़ा मंडी में हमेशा भैंसे आते हैं जो कि एकदम टॉप क्लास होते हैं। हाँ जी, इस बार आपने लेके आए हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी गगनजीत सिंह। कहाँ से? हरियाणा से? नहीं, पंजाब से जी। अच्छा, पंजाब में जनरली हरियाणा के बहुत आते हैं भैंसे? नहीं, ये पंजाब में नस्ल है जी, नीली रावी। ये नीली रावी है? नीली रावी है जी। सर क्या भैंसा है, माशाल्लाह, क्या उम्र का है ये? ये है गए 4 साल का जी, 4.5 साल का हो गए। जबरदस्त सांड है, सांड बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? सांड जी। कितने दांत पे? ये 6 दांत हो गए। इनके दांत कब खुलते हैं? पहला 2 दांत कब तोड़ता है? 2 दांत होता जी 3 साल का, ते मुड़ के 4 साल का 4 दांत हो जाता, 5 साल का फिर 6 दांत हो जाता है पक्का। सिंग एक्चुअली बहुत वेल मेंटेन्ड है। हाँ जी, नहला धोला के सिंग शाइन वाइन करा के आपने लेके आए हो। नाम क्या रखे हो इसका? इसका नाम समुंदर रखे। अच्छा, घोड़े के नाम पे समुंदर रखे हो आपने।
कितने किलो का होगा ये? ये वजन कुछ कह नहीं सकते जी, एवं हम आप कोई। तो ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए है? हां ब्रीडिंग के लिए। सीमन सीमन हां सीमन डोज देने जी। कितने का मिलेगा? हां जी ये 500 दी डोज देने जी आप। हां जी। तो ये वो सीमन से सक्सेसफुल होता है? हां जी हां जी। और इतनी तरक्की हो गई है फटाफट? हां जी ठीक है। और उठा सकते हो इसको? देख लेने जी। उठ पाएगा? ये उठ पाऊंगा जी, इतना भी थक्या पिया जी हुण। अच्छा बैठ गया है। हां जी थकान से। हां सारा दिन इसको उठाई जांदे है, कोई आ जांदा जी। सिर्फ क्या लेकिन शाइन है, जो पैर पे बाल है बहुत अच्छा मेंटेन। आप कब से पाल रहे हो समुंदर को? इसको बचपन से घर दी होम ब्रीड है मेरे। आपके होम पे पैदा हुआ है? हां जी। और भी है ऐसे उसके? आपके हाँ जी हाँ बच्चे हैं इसके, इसके यहाँ दो तीन पैना। तो नीली रावी में लोग जो है इससे ब्रीडिंग क्यों करवाएंगे? इसमें क्या, देखो मुझे तो नॉलेज नहीं है भैंसों के बारे में, आप बताओगे कुछ, ज्ञान दो हमारे दर्शकों को, क्या खास बात है? अच्छी नस्ल है जी, ये बहुत ठंडी नस्ल है जी, जो दूध बहुत लंबा टाइम दिंदी है इस नस्ल दी। इसकी मां दा जी 9 किलो डंग दा दूध सी, 18 लीटर एक दिन दा दूध आ, एक दिन में 18 लीटर दूध दिंदी सी। दिन में दो समय? हां दो समय, एक टाइम का 9 लीटर, 9 लीटर एक। हां हां जी। तो रिकॉर्ड क्या है इनका? इसका रिकॉर्ड भी जिमे ऐसे अभी नीली रावी के बता रहा हूं, नीली रावी, नीली रावी का रिकॉर्ड ऐसे है भी जिमे बच्चा भी प्रेग्नेंट हो जांदियां आम 4-5 महीने 6 महीने मिलदियां, ए मज्जां जिन्ना तकर बच्चा नहीं दिंदे देण वालियां हो जांदियां उदों तकर भी मिली जांदियां, बहुत लंबा टाइम मिल जांदियां, 8-8 महीने मिल जांदियां। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको तो आप छोड़ना पड़ता है भी दूध देने से, लेकिन जबरदस्त है यहाँ सर, बहुत अच्छा। एक आदमी लगता है दिन भर पॉलिश करता रहता हाँ जी, हाँ, है क्योंकि इतनी पॉलिश कर रहा है कि शाइन कर रहा है हाँ, वो लेदर शूज से ज्यादा तो आपका भैंसा शाइन करता है। ऐसे है जी, इसकी मेहनत पे आई है ना। हाँ जी सांभण ते ही आई इसको, ये सारा दिन ये बंदा अपना लगा ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, चमकने वाला शानदार है समंदर, बहुत जानदार है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नंबर देना चाहोगे दर्शकों को? मेरा नंबर जी 95924-29929। और कहाँ से आए हो आप पंजाब में? पंजाब में जिला फिरोजपुर। फिरोजपुर? हाँ जी फिरोजपुर, फिरोजपुर का समंदर। हाँ जी ठीक है, पिंड श्री वाला बराड़। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भाई। तो बेचना है ये? नहीं नहीं बेचना नहीं, ऐसी नुमाइश के लिए। थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा हिमालय पर्वत। आपका क्या? घोड़े का? घोड़े का। और आपका? आपका बलविंदर सिंह भाई। और वाले बच्चे का? बच्चे का नाम दस भाई फरीद सिंह। कहाँ पे जा रहे हो आप? कोई टेंट लगा है? इधर जा रहे हैं। कौन से फार्म का है? ये हाजी स्टार्ट फार्म। और हाजी स्टार्ट फार्म, हाजी स्टार्ट। और कहाँ के रहने वाले हो? तलवंडी सापोदाम सर। बहुत जानदार है, कितने उम्र का है ये? 30 महीने का। हिमालय पर्वत, क्या नाम बोला? हिमालय पर्वत। और क्या हाइट पकड़ा है पर्वत ने? 67 प्लस का है ये। तो बेचने लाए हो? नहीं ऑस्ट्रेलिया ना रखा हुआ। तो क्या है क्रॉसिंग फी? क्रॉसिंग 11,000। बस 11,000। कौन सी लाइन का है? ए है ये राजू डोड का पोता जी, खली दा बच्चा। ओके ओके, नंबर देना चाहोगे आपका? हाँ जी 9456-0214। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो आपने कहा? तलवंडी साबो दाम। तलवंडी वहाँ एक मंडी लगती है ना? तलवंडी मंडी 14 फरवरी तो लेके 20 फरवरी तक चल। ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये आपका है? क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, कौन सी ब्रीड है ये? अमेरिकन बुली है। अमेरिकन बुली, क्या उम्र का है? 3 साल की है। फीमेल है? देना है? देना है कि बताने लाए? बेचने लाए हो? ना बेचने, ऐसी बताने लाए। अमेरिकन बुली जबरदस्त है। और ये वाला हस्की, ये इतना ओके ओके क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी कैसी है? ये भी दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी क्वालिटी है। ये कितने का आ जाता है? इसका मान लो 25,000 का है। 25,000 रुपये का बच्चा क्या बड़ा? बच्चा बच्चा बच्चा। ओके अमेरिकन बुली, क्या नाम रखे हो? इसका विस्की। क्या विस्की? विस्की पीने वाली विस्की। अरे ऐसे नशीला नाम रखे हो आपने, पसंद है आप, बहुत पसंद है आपको विस्की। चलिए बताइए बताइए, एकदम मस्क्यूलर है। कहाँ के रहने वाले हो आप सर? कालावाली के पास है। और आपका नाम क्या बोला? सोनू है मेरा नाम। सोनू, सोनू की विस्की, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू।
हेलो, क्या नाम है इसका? रुस्तम। ये कल ये उनका संदीप सेकोजी का। ओके ओके जी, कल तो मैंने लिया था इनके इंटरव्यू, बहुत बहुत मुबारक, चैंपियन बना रुस्तम। कल ले लिया उनसे हमने। हाँ मैंने, अच्छा आपने खरीद लिया कल? कितने में लिया? ऐसे नहीं बता। अरे बोल दो, बोल दो, डील सबसे बड़ी है मंडी में। लेकिन बहुत अच्छा घोड़ा लिया आपने, ये विनर होने के बाद लिया कि पहले? ये बाद लिया। तो बात पहले से चालू थी? नहीं नहीं, उस विनर बनने के बाद ही। इतना दिल आ गया आपको इस पे? आपके पास नहीं था ऐसा कोई? वेट कर रहे थे ये चैंपियन बनेगा उसके बाद इसको लेंगे। तो अभी बेचोगे और महंगे दाम में? नहीं नहीं, अभी बेचेंगे, इसकी ब्रीडिंग करेंगे। तो क्या है इसका क्रॉसिंग फी? इसकी 41,000। तो डील कब हुई? क्योंकि कल तो मैं देखा उनका इंटरव्यू लिया था, परसों बाहर लेके निकले थे। उनके पास आया तंबू में। हाँ उसके बाद डील हो गई। बड़ा क्विक है, चट मंगनी पट ब्याह हो गया इसका तो, है ना? जब डील होनी होती है तो इतने टाइम में। जी जी जी। वैसे क्या हाइट का है ये? 71 हो गई। और ये कौन सी लाइन का है? ये लारागोड़ा का बच्चा है। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम है जी बलप्यार सिंह। और आप कहाँ के रहने वाले हो? हम मोगा जिला के माला पेंड है। ये दिस इज द बेस्ट हॉर्स आपने जितने घोड़े लाए हो या लिए हो? हाँ जी, ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। अच्छा, शो में जीतने के बाद क्या हॉर्स की बहुत वैल्यू बढ़ जाती है? वैल्यू बढ़ जाती है जी, लोग देखते हैं उसको। तो आप क्या क्रॉसिंग फी बढ़ा दोगे इसकी? नहीं, इतनी रखेंगे इसकी। पहले कितनी हुआ करती थी संदीप सेखो जी के पास? कितनी थी पहले भी उनकी? कितनी थी? 41,000। और अभी भी 41,000। इसी रिजल्ट के फोटो है कुछ? हाँ फोटो है जी हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। नहीं अभी लगाया नहीं, बैनर वगैरह नहीं, बड़ा सामान भी लगाएंगे। ओके, अभी लेके आए आज। ओके, कितने दिन रहोगे आप फार्म यहाँ पे मेले में? बस ये 2 दिन रहेगा जी, आज कर। ओके, क्या हाइट बोला आपने इसका? 71 हाइट का है। मैंने सबसे ऊंचा 70 देखा था, वो हाथी एक बार आया था। हाँ जी, ये 71 है। हाइट की वजह से एडवांटेज रहा इसको। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जी। चलिए सर, और ये ढोल नगाड़े का क्या है सर? ये आ गए थे यहाँ पे खुशी मनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो चाहिए आपका नंबर? एक मिनट नंबर देना चाहोगे आपका? हाँ जी, 8196891000। एंड आपका पूरा नाम? मेरा नाम बलप्यार सिंह। बलप्यार, आप बजाए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाइट का है रुस्तम, कल ही दिखा। चलिए ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। गोइंग बैक टू माई होटल, आई हैव टू प्लान अहेड, बुक माई टिकट टू दिल्ली एंड देन टू बॉम्बे एंड अपलोड अ लॉट ऑफ वीडियोज। जो लंबा ब्लॉग होता है वो आई अपलोड ऑन यूट्यूब सारे इकट्ठे करके, और जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं हर ब्लॉग में, दैट आई अपलोड ऑन फेसबुक। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई फेसबुक चैनल, माई फेसबुक पेज, एंड आई हैव एन इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल, FSA एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो सर, कल यहाँ से आना पड़ेगा क्योंकि वो रास्ता गुरुद्वारा साहिब वाला जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। Thank you for watching.